नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं GBN 24। बोकारो सेक्टर 4 जय जवान पेट्रोल पंप पर लगभग 7:30 बजे सुबह 3 अपराधी प्रवृत्ति के लड़के बाइक पर सवार होकर बाइक से पेट्रोल लेने पंप पर पहुंचे। वहां पेट्रोल की मांग करने लगे। पेट्रोल पंप कर्मचारी पप्पू ने उसे 100 का पेट्रोल दिया। पेट्रोल लेने के बाद वो फरार होने लगे। कर्मचारी पप्पू ने उसे पीछे से पकड़ लिया। तीनों लड़कों की मंशा थी कि पेट्रोल मुफ्त में लेकर भाग जाने की, पर कर्मचारी तुरंत इसकी मंशा समझ गया और उसे गाड़ी को पीछे से पकड़ कर रोक लिया। लड़कों ने देखा कि अब भागने का कोई चांस नहीं है। बस पक्ष तीनों लड़कों में से एक लड़के ने कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू का वार ऐसा था कि कर्मचारी अगर पीछे नहीं हटता तो उसको पेट में छूते हुए निकल जाता, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। पर कर्मचारियों की तत्परता के कारण चाकू पेट में ना लगने से हाथ में लगी, जिससे पप्पू का हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया। फिर वो तीनों को भगाने में सफल नहीं होने दिया। तब तक अन्य सहयोगी पहुंचकर तीनों लड़कों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। तुरंत इसकी सूचना सेक्टर 4 थाने में की गई। मौके पर पहुंचे पुलिस तीनों को अपने हिरासत में लेकर आगे कानूनी कार्यवाही में जुट गई। पकड़े गए तीनों युवक सेक्टर 1 के झोपड़ी के निवासी हैं, जिसमें एक का नाम गोलू बताया जा रहा है। वहीं ये तीन कुछ देर पहले सेक्टर 1 और सेक्टर 12 हनुमान नगर निवासी अभय कुमार का पर्स और मोबाइल छीन कर भाग रहा था। वो अपनी चचेरी बहन को स्टेशन से छोड़ने सेक्टर 1 गए हुए थे। उसी क्रम में वो तीनों अपराधी अभय कुमार को निशाना बना लिया और उसके साथ मारपीट कर पर्स और मोबाइल भी छीन लिया और भाग गए। उसके बाद तीनों अपराधी पेट्रोल पंप से चाकू की घटना को अंजाम दिया। सर, तीन लड़का आए थे यहाँ पर। फर्स्ट में एक लड़का आगे जो बाइक चला रहा था, वो हमसे बोला कि तुम हमको चिंता नहीं है, हमको जल्दी दो। तो हम नहीं दिए थे, मतलब एक गाड़ी को हम 155 रुपये का पेटीएम कर रहे थे। उसको पेटीएम करने के बाद उसको तेल दे करके इसको हम तेल दिए। पैसा मांगे तो ये आगे से जो है सो पीछे गाड़ी स्टार्ट करके भाग रहा था। भागने के क्रम में हम उसका गाड़ी पकड़े और वह हाथ पर चाकू चला दिए। पीछे काला रंग का एगो शर्ट पहने हुए एगो लड़का था जो गाड़ी चाकू चलाया। क्या नाम है आपका? मेरा ऐसे ये पंप पर लोग हमको पप्पू बोलते हैं। ऐसे मेरा नाम कमलाकांत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए GBN 24।